हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ दो आलू से इतना यम्मी नाश्ता कि आप इसके आगे ना समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा सब खाना छोड़ देंगे। ये घर में बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस तरीके से इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दो आलू से हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो दो आलू को हमने पहले बॉईल करके रखा, इसे छील लिया है और इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। और इसके लिए एक पेस्ट बनाएंगे जिसमें की लिया है हमने 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियां। इसका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे। तो पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। महीन वाले ग्रेटर से इसे हमें ग्रेट करना है। इसमें कोई भी गुठली ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैश तो हम हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें गुठली होगी और जो स्नैक्स हम बना रहे हैं ना, उस वो गुठली की वजह से ख़राब हो सकती है। तो इसे हम ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। इसे हमने ग्रेट कर लिया है, अब इसका बना लेते हैं दरदरा पेस्ट। मिलती हूँ मैं उसके बाद। तो ये देखिए, ये हमने बना लिया दरदरा पेस्ट। अब बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए पैन में रखा 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसमें डाला 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से भुनने देंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, जीरा अच्छे से भुन चुका है। गैस का फ्लेम हम अभी मीडियम कर देंगे और इसमें हम डालेंगे मिर्च, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया है वो, और उसे हम भुनेंगे। ये देखिए, हमने इसे डाल दिया और इसे अच्छे से भुनेंगे। इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और इसे हमने भुन लिया, इसका कच्चापन खत्म हो जाए इतनी देर हमें इसे भुन लेना है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ आलू। तो ये दो आलू से ना बहुत सारे स्नैक्स बन जाते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, आलू को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, आलू हमने ग्रेट करके डाला ना, तो इसका मिक्सचर बिल्कुल फाइन होगा। ऐसे अगर हम हाथ से तोड़ कर डालते ना तो इसमें छोटी छोटी सी गांठें होती और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसमें हमने डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच डाल दिया ओरिगैनो, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया हमने अच्छे से चॉप करके रखा है, उसको डाल दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और ये स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। अब बना लेते हैं इसके ऊपर का बेस। तो बेस बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। इसे हाथों से इस तरीके से क्रश करके इसके अंदर डालेंगे और 2 चम्मच के करीब हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा डालेंगे हम नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले हम, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका सख्त सा डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका नमकीन के लिए जो हम आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से इसका आटा लगा लेना है। इस तरीके से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और टी टाइम के लिए ना, मुझे लगता है सबसे बेस्ट ये स्नैक्स रेसिपी है। ये देखिए, आटा हमने अच्छे से लगा लिया है, इसे ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब किचन टॉप को हमने किया क्लीन और थोड़ा सा डो लेकर इसे हम बेलन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से बेल लिया है, बहुत ही पतला बेलना है हमें। और इसका जो डिज़ाइन हम बनाएंगे ना स्नैक्स का, वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो इसके बीच में हम डालेंगे 1 छोटा सा ग्लास या 1 छोटी सी कटोरी, इस तरीके से पलट के इसके बीच में डालेंगे और चारों साइड पर ये वाली जो स्टफिंग हमने बनाई ना आलू वाली, उसको इवेनली फैला देंगे। बहुत पतला ही लेयर रखना है, बहुत मोटा नहीं रखना है। इस तरीके से इसे फैला देंगे। मिक्सचर आपका ठंडा हो चुका हो स्टफिंग वाला, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से फैला दिया और इसे हम पिज्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
इसकी साइड्स को चिपकाने के लिए अगर आप थोड़ा सा पानी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर देंगे। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसे गैस की स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए सारे स्नैक्स फोल्ड हो चुके हैं। अब चलते हैं तेल की तरफ। रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो चुका है इसको तलने के लिए, तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर और गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रख दिया है और इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। समोसा बनाने से भी ये आसान है ना ये स्नैक्स की रेसिपी, आप हमें कमेंट में बताना। और ये बिल्कुल समोसे वाला टेस्ट देने वाला है और दिखने में भी मज़ेदार लगने वाला है। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में लगाया हमने टिशू और इसके ऊपर इसे निकाल दिया जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल टिशू के ऊपर आ जाए। ये बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी बनकर तैयार है। इस तरीके से इस स्नैक की रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।